एक सच्ची घटना आपके बीच में, आप लोगों ने सुना होगा, एक श्रवण कुमार माता पिता का बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ है। कलयुग के अंदर कैसे कैसे श्रवण पैदा हो गए लोगों, आज इस भजन के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। सुनिए, अगर ध्यान से सुनोगे तो एक एक बात दिल में उतर जाएगी, किसे किसे श्रवण है इस कलयुग के अंदर। कौन के दो मियां बीबी वीर मर्द ऐसे जिनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो बेचारे गरीब बेसहारा लाचार थे, बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया जवान किया और परमात्मा की कृपा से बेटा नौकरी में लग गया। कुछ समय के बाद में जब बहू थी वह भी नौकरी लगी, लेकिन यो के चाड़ा होया वह तो बेचारे सपने देखा कर दे के मारे छोरे की भी कदे बहू आवेगी मारी सेवा करेगी लोगों की ढाल और सारे दिन आंगन में छम छम करती फिरेगी मारा भी खुशी होगी। लेकिन यो के दा पासाए पलट गया, लोगों सुनना कलयुग में श्रवण किसे किसे होगी। मैं एक को नहीं ठहराता कदे नू ना सोचियो उमरी हर एक वीडियो में तमन कह दो अगर बेटिया के ऊपर तंज कसी जाए, क्या लड़कियां ऐसी नहीं होती, एक आता ताड़ी को बाजार दी मेरी बेबियो मेरी बहनों मेरे भाइयों, गलती दोनों तरफ से होती है, बेटे भी नालायक होते हैं और बेटियां भी नालायक होती हैं और लायक बेटे भी होते हैं और लायक बेटियां भी होती हैं। इसलिए मैं ये भजन गा रहा हूं, जरा सुन। लोग कह देते हैं वृद्ध आश्रम में माता पिता इसलिए जाते हैं क्योंकि बहु तंग करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं रोल बेटे का भी होता है, दोनों की गलती होती है, इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ता है उनको। मैं सुनिए क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को। जब वह बहू घर में आई तो उसने अपने पति को कहना शुरू करा, नु बोली कदे तो तेरी माँ रोटी मांग कदे तेरा बाबू मांगा, आधी रात ने कदे कि मैं मांगन लाग जा, कदे कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया, कदे इनकी दवाई लियाओ, कदे नताता पानी कर कर दो, सारा दिन इन्हें का काम लागे मन के और कि मैं काम से समझाने लगा। ने बोला भगवानी ने मेरे को जन्म दिया है, ये मेरे जन्मदाता है, बड़ी मुश्किल से न पाया हूं, देख नाक ना चढ़ावे। लेकिन बात घनी है बड़गी, ने बोली बात सुन ले, चाहे तो इनका गेल रह ले और चाहे मेरी गेल रह ले, छोरा धर्म संकट में फंस गया, नो सोचा जुलम हो गया। मैंने बोला भगवान एक रात सोचने का मौका दे दे, सवेरे तेना रिजल्ट दे दूंगा। बोला ठीक से सो गए, सारे रात सोचता रहा, नींद नहीं आई, सवेरे सोचा दिमाग में बात आई, छोरा ननू सो चले भाई बूढ़े माँ बाप हो रहे बतेरे दिन इनके उम्र काट ली तो बहू गल रहना पड़ेगा। और लड़के ने देखिए दुष्टता जब जागती है तो ऐसी जागती है, राक्षसपना इसको कहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हुई और सवेरे उठ के अपने माँ बाप के पास में चला गया। नु बोला बाबू माँ उठ लो, अरे बेटा के टाइम होया, 4 बजे है, बाबू उठ लो ने, के बात बेटा, चलो तो हमने हरिद्वार नु आके ले आऊंगा। हरिद्वार? अरे सवेरे सवेरे बेटा। अरे बाबू चलो ना हरिद्वार तीर्थ पर आगे लाऊंगा तमने। निर्णयवासी बूढ़ा बूढ़ी ठा लिए दोनों माता पिता और मन में काला था, क्योंकि आपने पता है कहानी क्या चल रही थी। इस भजन में अगर आप एक एक लाइन ध्यान तक सुनोगे तो समझ में आएगा, और जे ध्यान तक नहीं सुनोगे तो कहानी समझ में आवे को ना, किस तरह से क्या बनी। सुनिए कलयुग का श्रवण कुमार अपने माता पिता को उठा कर चल पड़ा, उसने शर्म नहीं आई कि जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया, जिस पिता ने इतने लाड प्यार से उसको पाला पोसा ब्याह थाया, अरे सबका प्रेम भूल गया वो, माँ का भी बाप का भी, और किस तरह से वो दुष्ट चला, जरा सुनना मेरे भाइयों बहनों, अगर दिल से सुनोगे तो आपकी आंखों से अश्रु धारा बहेगी, ये मेरा चैलेंज है। आइए, लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिख डाला क्या, माता पिता ने लेके वो चादा आँखों में पानी माती पिता ने लेके वो चादा आँखों में पानी आओ राम, माती पिता ने लेके
बाबुल भी ठुकराया राम जननी माँ भी कर दी पराई बाबुल उसके पेट पर लात मार दी पेट पर जिसने जाया राम उसके पेट पर लात मार दी पेट पर जिसने जाया राम बाबुल के लबी दगाए जिसने प्याया राम बाबुल के लबी दगाए कमाया पाली बोस जिसने प्याया राम महती पिता ने लेके ओ चादा कोन्या तेरे से कुछ सुनना निर्णावासी माँ बाप ने लेके कड़े पहुंच गया क्योंकि दिमाग में बहू के बोल खटके थे क्योंकि उसकी पूरी करनी थी सारी बात। निर्णावासी माँ बाप को लेके पहुंच गया एक जंगल बियाबान के अंदर, बस रुकवा ली उड़े और उतर लिया और उतर के बोला बाबू आड़े बैठ जाओ आगे के कहानी बनी एक एक लाइन सुनिए क्या बताया। ओके बहू के बस में मुँह रखी कोन्या समझनी पाया राम ओके बहू के बस में मुँह रखी कोन्या समझनी पाया राम निर्णावासी आंधा ने ले प्यास लगा इन बोला रे बेटा निर्णावासी सारे जे एक बखोरा पानी का पैदा बेटा राम तेरा भला करे। मेरे भाई और मेरी बहनों का सुन बाट देखा था कि कद मौका मिला रही न छोड़ के मैं बाजू न बोला बाबू पानी पानी की के बात कर रही यू गया यू है तेरे खातर पानी का इंतजाम जरूर करूंगा। लोगो छोरा चलिया तो गया एक घंटा बीता दो घंटे बीते चार घंटे बीत गए सूरज छपू छपू लाग्या करने छोरा चलिया तो गया लेकिन उल्टा नहीं आया क्या कहानी बनी। सूख गए
छिप गया कोन्या वो उल्टा आया ओरा बाटी देखते सूरज छिप गया कोन्या वो उल्टा आया ओरा महती पिता ने लेके हो चादा कोन्या तरसी कुछ पानी 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 करते करते उस बूढ़े माँ बाप के प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन छोरा उल्टा नहीं आया। आंखों से अंधे थे दोनों। बुढ़िया कदे गोड्डा टटोला श्रवण के बाबू सुने है के, कदे माथा रोला श्रवण के बाबू सुने है के, लेकिन श्रवण के बाबू में सांस मास हो तो बोले। बुढ़िया को आभास हो गया कि तेरा सुहाग नहीं रहा दुनिया में। ए भगवान क्यों होता है ऐसा, ए मेरे परमात्मा क्यों हो गए हम इतने खुदगर्जी, क्यों हो गए हमारे बेटा बेटी ऐसे, क्यों करते हैं अपने माँ बाप के साथ में ऐसा। मुझे दुख है इस बात का, हे परमात्मा क्यों है ऐसा क्यों। बुढ़िया रोल लागी बिलकुल लागी, हे भगवान ईसा बेटा देने तो बुढ़िया मन ने पुत्री राख देता है प्रभु। यो किसा बेटा जो अपने बाप ने खा गया। लोगों बड़ा दर्द होता है ये बातें सोच के कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर बेटे के अपनी माँ बाप की कदर नहीं है। हे परमात्मा ऐसी औलाद किसी को मत देना मेरे प्रभु। बुढ़िया बलक बलक कर रोन लगी और क्या कहने लगी जरा सुनना। बाप की हो गई पूरी कायोराम पानी पानी करते बाप की हो गई पूरी कायोराम रह गई एक लिवा बुढ़ी रोवे हे मालिक तेरी मेरे प्रभु ऐसी औलाद किसी को मत देना। और मेरे भाई और मेरी बहनों, इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। जो इंसान अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, चाहे कितने सूत्रे सूत्रे दरबार इस माता रानी की सजा लो, बाबा श्याम के दरबार सजा लो, कितने सत्संग कीर्तना बजा लो, कोई फायदा नहीं, जीरो है, सब कुछ जीरो। क्योंकि हर एक वीडियो में यही बात बोलता हूं, भाव भगवान भाव के भूखे, और भाव कहां से बनता, अपने घर से बनता। अरे माँ बाप की आत्मा अगर हम शांत नहीं कर सकते सेवा करके, ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो पूरे संसार को बनाने वाली मेरी माँ है, इसको कैसे शांत कर सकते तुम अपनी सेवा से, नहीं हो सकता। सारा खेल भाव कर, भाव अपने घर से बनता है। लोगों
माँ बाप की सेवा जो इंसान नहीं जानता उसका जागरण करने का, सुनने का, सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे खुद के विचार हैं, और मेरे क्या विचार हैं, ये तो सर्वे सर्वा बात है, आप सब जानते हो, कॉमन सी बात है भाई, जो माँ बाप का नहीं होगा वो देवी माता का क्यों होगा। अरे हे मालिक, ऐसे बेटे तो किसी ने ना दे तो बढ़िया है। और मैं भी गुजारिश करता हूँ, हे प्रभु, हे मेरे परम पिता परमात्मा, जिस तरह से आज मैं माता पिता का लाडला हूँ, ये भगवान सदा इसी तरह से लाडला रखना। और मेरी तो अंतिम इच्छा एक और होया कर दी लोगो, न्यू क्या करता परमात्मा ते, ये भगवान जब मैं 60 साल का हो जाऊं ना, और जब मैं गुजरूं, जब मेरी अर्थी घर तक लिकड़े, तो मेरे माँ बाप दोनों जीने चाहिए। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज मेरी उम्र सारी 27 साल की हुई, और मेरी जननी माँ 1 फरवरी 2016 को संसार से विदा होगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, ये बात हमेशा कचोटती रहती है। हालांकि संसार में जो आया उसको जाना पड़ता है, लेकिन एक मेरा बाप, वो ही मेरा शिव जी है, वो ही मेरा बालाजी है, वो ही मेरा बाबा श्याम है। मन तो सारे में वो ही दिखे, जिसके भी जगराता में जाऊँ, और एक देवता मन तो यह बात कहे, माँ शेरा वाली भी न्यू कहे, सारे बाबे भी मन तो न्यू कहे, राम तने अपना बाबू का ख्याल रखिए बेटा, तेरे तो दूर को न्या, और जो उस बाबू से दगा करेगा ना, और हमारे दरबार में होगा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहता ये सच्ची जोत मुझे हमेशा इसके लिए तैयार करती है, हमेशा ऐसे ही बोलती है, आज्ञा देती कि यो काम करता रही है। इसलिए मैं अंत में गुजारिश करता हूँ, हे भगवान इसे विचार रखिए बस, और आप भी आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी बात पर गौर जरूर करना। आखिरी में ये कहानी बनी जरा सुनना, इसी औलाद मत दिए हो किसे के, जिसने जुलम ईसा दाया ओरा, इसी औलाद मत दिए हो किसे के, जिसने जुलम ईसा दाया ओरा, कग सरियाले रमधन पर रखिए ओम गुरु